अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स को देखा था कि किस तरह की डाटा टाइप्स होती हैं और किस तरह से हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं कि यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे और वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अपना टूल ओपन कर लिया डेव सी प्लस प्लस। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटीजर डाटा टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पे एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं कि यूज़र एक वैल्यू एंटर करे, एंटर आ वैल्यू। इस चीज़ का आपको पता है, ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है, ये एंड लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सिन, ये बिट वाइज ऑपरेटर, उसके बाद ये आपने वेरिएबल। इस तरह से आप यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के ज़रिए। अब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो हम स्क्रीन के ऊपर शो करवा देते हैं, योर वैल्यू इज़। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, मैं 10 एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर वैल्यू लिखी हुई आ गई, योर वैल्यू इज़ 10। इस तरह से आप यूज़र से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर करैक्टर में वैल्यू गेट करनी हो तो यहाँ पे आप लिख दें कैर इक्वल, यहाँ से अब यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। ये देखें, योर वैल्यू इज़ सी, ये मैंने एक करैक्टर एंटर कर दिया। इसी तरह से आप फ्लोट, लॉन्ग, जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू लेना चाहते हो तो आप किस तरह से लेंगे, ये देखें। अब इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग में वैल्यू गेट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ, लेकिन ये देखें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अफाक प्रिंट हुआ हुआ आया, पूरा अफाक वान नहीं आया। ये देखें, मेरा पूरा नेम नहीं आया, स्पेस के बाद वाली वैल्यू को उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं किया, मतलब कि जो स्पेस के बाद जो वैल्यू थी ना वो उसने वेरिएबल के अंदर स्टोर ही नहीं की। तो इसका क्या सलूशन है, आपने स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से वैल्यू को गेट करना है, गेट लाइन सिन वेरिएबल नेम, ये स्टेटमेंट आपने लिख के स्ट्रिंग के अंदर अपनी वैल्यू को गेट करना है। अब इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं दोबारा से अपना फुल नेम एंटर कर देता हूँ तो ये देखें अब मेरा फुल नेम आ गया, जो स्पेस के बाद वाली वैल्यू थी वो भी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया। इस तरह से आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हैं और उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।